जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी पर बड़ी अपडेट आई हुई है। बता दें कि ओआरओपी की फाइल कहां पर अटकी हुई है। एक पीसीडीए के बड़े अधिकारी ने बताया कि जनरल सतबीर साहब को बताया कि ये फाइल कहां पर अटकी हुई है और क्यों अटकी है। आपने सेना में भी देखा होगा कि कई बार फाइलें ऐसे रोकी जाती हैं कि वो अगर जो क्लर्क है या कोई ऐसा आदमी है जो उस पे काम कर रहा है, तो वो छुट्टी जा रहा होता है या पेंशन जा रहा होता है या पोस्टिंग जा रहा होता है, तो वो बोलता है इसको क्यों करूं, क्यों इतना बवाल लूं, इसको रखे रहता है, पेंडिंग रखे रहता है। वही हुआ ओआरओपी में। ओआरओपी में फाइल अटकाई गई। क्यों अटकाई गई? क्योंकि रिटायर हो रहे थे जो अधिकारी, उन्होंने सोचा कि मैं इस पर क्यों लोड लूं, और उन्होंने अटकाई है उस फाइल को। तो पूरी डिटेल इसमें मिलने वाली है। किस अधिकारी ने बताया कि ये फाइल अटकाई गई है और इस पर क्या एक्शन लें, नहीं तो ये 1 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें मामला बहुत लंबा खिंच सकता है, क्योंकि दूसरे अधिकारी आएंगे, वो और भी इसमें लेट करेंगे। तो पूरी डिटेल मिलने वाली है। जनरल साहब इस पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है जो ये बताया है। SY सौर रिटायर्ड, इन्होंने बताया है कि सेक्रेटरी ESW रिटायर्ड यस्टरडे, कल रिटायर हुए हैं, और डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। डिफेंस सेक्रेटरी नेक्स्ट मंथ में रिटायर होने वाले हैं। योर कंटेम्प्ट पिटीशन शुड मेड फॉर फाइनेंशियल सेक्रेटरी एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, यानी कि इनके पास आपकी जो पिटीशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और ये स्टक हियर, और इसको होल्ड करके रखे हैं। क्यों होल्ड करके रखे हैं? क्योंकि इनको रिटायर होना है, तो ये नहीं चाहते हैं कि ये आगे का कोई आएगा वो खुद करेगा, इसको मैं उसको वहीं पर होल्ड करके रखा है, स्टक करके रखा है। तो इन्होंने ये जानकारी दी है, और ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं। इन्होंने इसका ही जानकारी जनरल सतवीर साहब को दी। तो सतवीर साहब ने क्या कहा है, थैंक्स प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद, वी डिस्कस विद अवर लायर, ये अपने लायर पर से डिस्कस करेंगे फर्दर प्रोसीडिंग, इसके आगे क्या किया जाए, क्योंकि ये लटकाया गया है। और क्यों लटका दिया है? क्योंकि ये रिटायर हो रहे थे, इन्होंने सोचा कि इसको लटका देते हैं, हम इस पर क्यों बवाल लें, क्योंकि बहुत ज्यादा वो आरोपी में माथापच्ची है। तो इन्होंने सोचा रिटायर होके दूसरा कोई आएगा वही काम करेगा। अभी इसमें जनरल सतवीर साहब ने यह भी दिया है कि 3-4 दिन में रजिस्टर करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि इस सप्ताह के 2-3 दिन के अंदर अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल देंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।